नमस्कार, सबको स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम अशत रिजा कासिम और मेरा नाम फातिमा त्रिफा कासिम। आज स्वतंत्रता दिवस है, सबको इस विशेष दिवस की शुभकामनाएं। हमारा देश भारत की महान है, विश्व में सबसे अच्छा है। हम भारतीय होने से गर्व करते हैं। मेरे मुल्क, मेरा देश, मेरे वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरे मुल्क, मेरा देश, मेरे वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते विसार है जाने मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरे मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है उसकी शान। सुप्रभात आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्मानित शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आज 15 अगस्त हम सभी भारतीयों के लिए काफी खास दिन है। भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 74 साल पहले इस दिन में भारत स्वतंत्र हुआ था, जिसे हम हर भारतवासी गर्व से मनाते हैं। 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी से इस आजादी को पाया है। इसी वजह से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और ब्रिटिश शासन के अंत दर्शाते हुए लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों ने भाग लिया था, जिसमें कई लोग उभरे, असंख्य लोग इस मिट्टी के लिए शहीद हुए। भगत सिंह जैसे वीर शहीदों की कुर्बानियां महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल जैसे नेताओं के आत्मसमर्पण की वजह से ही हमें इस आजादी मिली है। उन लोगों की कठिन परिश्रम नहीं होती तो आज भी हम सब अंग्रेजों के गुलाम होते। आजादी ने हमें अपने के लिए संवैधानिक अधिकार दिया है। अगर कोई भी सरकार, शासन और कोई भी व्यक्ति हमें उस अधिकार से जीने के लिए रोकता है, तो हम सभी को मिलकर अपनी आवाज उठाना चाहिए। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। आखिर में मैं मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब, जो कुछ दिनों पहले गुजर गए थे, उनकी एक मशहूर शायरी का बस दो नज़में पढ़ना चाहूँगी। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद। सुप्रभात प्रिय अध्यापक और मेरे प्रिय मित्रों, हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकते होते। निर्भरता का आता भारत के ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता मिली थी। हम 74 वर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की मदद से स्वतंत्रता मिली। हम सभी को उनका सम्मान करना चाहूँगा। जनगणमना हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि पूर्व या पश्चिम, भारत सबसे अच्छा है। शुक्रिया। घर सुरक्षित रहे। धन्यवाद। Thank you.
आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आज हम यह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए आनंद, उत्साह और अभिमान का दिन है। आज ही के दिन सन 1947 में हमारा भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश के लिए इनके समर्पण को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत देश विज्ञान, खेती, क्रीड़ा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, पर आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। चलिए आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और भारत को विश्व का बेहतरीन देश बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।